हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलाना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7th के लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस से। तो जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने खाने को किस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से, वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, वो क्या है हमारा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बने थे, यानी कि जो स्टार्च था हमारा फूड था, किस किस की प्रेजेंस में बना था? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। जो हमें क्या मिला था बाद में? स्टार्च और कुछ ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे एटमोसफेयर में, यानी हमारी हेल्प करती है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। उसके बाद हमने अलग अलग से तीनों जो चीज़ थी, टाइप थी हमारी, हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद जो चौथी चीज़ थी हमारी, वाटर एंड मिनरल्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिएगी प्लांट को। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सेकंड हमने पढ़ा था सनलाइट। थर्ड थी हमारी क्लोरोफिल। एंड जो फोर्थ है हमारा, वो है वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक में क्या है हमारा। द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। यानी जितनी ज्यादा एरिया होगा रूट्स का, वो क्या करेगा, उतने ही ज्यादा वाटर और मिनरल्स हैं सॉइल में, उनको एब्जॉर्ब करेगा। और ये वाटर और मिनरल्स वो जब ऊपर प्लांट्स तक, लीव्स तक लेके जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मिनरल्स को लीव्स तक, वो वाटर और जो सोल्यूबल मिनरल है वो किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइलम, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूबल मिनरल्स थ्रू जाइलम। ठीक है, अब जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में, जब वो वेरियस पार्ट्स में जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोयम। यानी द फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फिलोयम। और जो दोनों ही प्रोसेस है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ये है क्या? कंडक्टिंग टिश्यूज। यानी जाइलम एंड फिलोयम दोनों को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग टिश्यूज। यानी ये वो टिश्यूज हैं, जाइलम और फिलोयम, जिसमें रूट से जो वाटर और मिनरल हैं वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाते हैं? हमारे लीव्स में जाते हैं। और जो फूड प्रिपेयर होगा फोटोसिंथेसिस से, वो जो वेरियस पार्ट्स में जाएगा प्लांट के, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? फिलोयम। जो सिंथेसिस है न्यूट्रिएंट्स की अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैसे होती है? देखो, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्लांट्स और क्या बनाते हैं? प्रोटीन और फैट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो बनाते ही है, साथ साथ क्या सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्लांट को ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ये तो पता है ना हमें कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से एक गैस है नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये कहाँ से मिलती है प्लांट को? एटमॉस्फेयर से मिलती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है जिसकी सिंथेसिस करेगा फिर वो नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन की। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन इट्स फ्री फॉर्म बाय द प्लांट्स। ये यूं नहीं है कि उसने अपने आप ले ली, वो किसके थ्रू जाएगी? सॉयल के थ्रू जाएगी। यानी सॉयल के अंदर क्या होते हैं? सॉयल कंटेन्स नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। जो भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स की जो फॉर्म है, जिससे मिट्टी के अंदर ये क्या होते हैं, हम फार्मर के, हम ये कहते हैं ना किसानों के मित्र होते हैं ये, तो फार्मर भी ऐसे फर्टिलाइजर ऐड करता है जो नाइट्रोजन रिच होते हैं। वीट की जो खेती है हमारी, गेहूं की जो खेती है, उसको क्या चाहिए स्पेशल सॉइल को फर्टाइल करने के लिए? नाइट्रोजन। तो वो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रोजन, जिसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है, जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब वो प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करेगा, तो वो क्या कैरी आउट करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस।
ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस समझ गए आप कैसे होती है। प्लांट्स मोस्टली क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ साथ किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन्स और फैट्स की। ठीक है, और ये प्रोटीन जो सिंथेसिस होगी इसके लिए प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, और ये नाइट्रोजन हमें एटमोस्फेयर से मिलेगी। और एटमोस्फेयर से फ्री फॉर्म में लेने की बजाय जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म में, जिससे जिसको हम क्या बोल सकते हैं? नाइट्रेट्स। और जब फार्मर्स ऐड करेंगे इस नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को सोयल के साथ, तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद सेकंड जो न्यूट्रिशन है वो हमारा क्या है? हमारा हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यानी ऑटोट्रॉपिक में क्या था? ऑटोट्रॉपिक में था कि ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स थे, ग्रीन प्लांट्स थे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हेटरोट्रॉपिक में? हेटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए प्लांट या दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो वो न्यूट्रिशन जिसमें हम दूसरे पे डिपेंड है हमारे खाने के लिए, वो हमारा कहलाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल एनिमल्स और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं वो सभी क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स हैं। ह्यूमन बींग ऑल्सो, हम भी हमारे खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स और जो उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, और प्लांट के ऊपर। तो इसीलिए हम भी क्या है? हिटरोट्रॉप्स हैं। हिटरोट्रॉपिक जो प्लांट है वो चार टाइप्स के हैं। देखिए, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवरस प्लांट्स एंड सिम्बायटिक प्लांट्स। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स से। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, ए पैरासिटिक प्लांट इज द नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन ग्रीन क्यों है? क्योंकि ये हिटरोट्रॉपिक है। अगर ग्रीन प्लांट होते तो ये ऑटोट्रॉप्स होते, अपना खाना खुद ही बना लेते। अब ये नॉन ग्रीन प्लांट है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करेगा ना खाने के लिए, या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये फीड कहाँ से करते हैं? ऑन अदर ग्रीन प्लांट, दूसरे ग्रीन प्लांट से, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ, या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। ये क्या होता है, जैसे कोई भी डिजीज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये बात, कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे वायरल हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट कर रहा है तो वो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? जो हम खाएंगे पिएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, वहीं से तो वो अपना खाना लेता है, वहीं से फीड करता है। तो इसी तरह से ये प्लांट्स होते हैं, ये भी किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट पे। होस्ट यानी जो इनका मतलब इनको होस्ट करने वाला है, तो जिसके साथ ये रह रहे हैं, जिसके अंदर ये रह रहे हैं, उसी का खाना ये खुद खाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। पैरासिटिक प्लांट इज द नॉन ग्रीन प्लांट विच फीड्स ऑन अदर ग्रीन प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, इनकी क्या होती है? स्पेशल रूट्स डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होस्टोरिया, विच पेनिट्रेट्स द होस्ट टिश्यूज एंड रीच द वस्कुलर बंडल्स। सम पैरासिटिक प्लांट आर टोटल पैरासिट। इसमें क्या होता है, देखिए, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टोटली पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिपेंड करते हैं उस होस्ट बॉडी के ऊपर। दूसरे क्या होते हैं? पार्शियल पैरासाइट होते हैं। टोटल जो पैरासाइट होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? डिपेंड करेंगे ऑन द होस्ट, अपने खाने के लिए कंप्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो पार्शियल पैरासाइट होंगे वो होस्ट के ऊपर किस चीज पे डिपेंड करेंगे? केवल वाटर एंड मिनरल्स उसे लेंगे, बाकी अपना खाना बना लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पैरासिटिक प्लांट, जो क्या करते हैं? होस्ट प्लांट के अंदर रहते हैं, उसी की ग्रोथ के साथ साथ ये क्या करते हैं? खुद की ग्रोथ होती है। और पैरासिटिक प्लांट मोस्टली डैमेजेस द होस्ट प्लांट। अब ये किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे? उसकी बॉडी को खा जाएंगे, उसको ग्रोथ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। सेकेंड टाइप है हमारे सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? इस सेप्रोफाइटिक प्लांट इज वन विच ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। यानी ये क्या होते हैं? जो चीज सड़ चुकी होती है, सड़े हुए जो प्लांट्स होते हैं, रोटिंग प्लांट्स। सेप्रो का मीनिंग क्या है? रोटिंग, फाइटन मीन्स प्लांट्स। यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट से, जो मर चुके होते हैं, जो पेड़ सूख चुके होते हैं, डिके हो गए होते हैं, एंड एनिमल मैटर जो होता है उनके अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, पैरासिटिक क्या था?
जो होस्ट प्लांट होता है ग्रीन प्लांट, उसकी बॉडी से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। सैप्रोफिटिक किससे लेते हैं? सैप्रोफिटिक ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डेड और डिकेइंग प्लांट से, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और इनके लीव्स नहीं होती है। सैप्रोफिटिक प्लांट्स में लीव्स नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है। और ये सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हमारे पेट के अंदर भी होते हैं ना एंजाइम्स, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, सैप्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर भी क्या रिलीज होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्या करता है, ये छोटा बना देता है ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। और ये एंजाइम जब रिलीज होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंगी है ना, जो ब्रेड होती है जैसे काफी दिन छोड़ देते हो आप, उसके ऊपर लग जाएगी, फंगस लग जाता है। मशरूम है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सभी क्या है, हमारे सेप्रोफाइट्स हैं। सम फंगी जैसे कि मशरूम है और फीस्ट है, ये यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डिजीज भी फैलाते हैं। और सम आर इवन यूज इन मेडिसिन, और कुछ ऐसे हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं। अब हमने दो ऐसे टाइप्स पढ़ लिए हैं हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले, इसमें जो हमारे टाइप्स थे मैं दोबारा दिखाती हूँ एक बार आपको। जो हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था हमारा, वो क्या न्यूट्रिशन था कि हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट या फिर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे। खाने के लिए हम किस पे डिपेंड करेंगे? जो अपना खाना खुद बनाएगा उसी से लेंगे ना। तो हिटरोट्रॉपिक प्लांट कौन कौन से थे हमारे? पैरासिटिक प्लांट्स थे और सेप्रोफिटिक प्लांट्स थे। पैरासिटिक प्लांट वो नॉन ग्रीन प्लांट थे जो खाना खाते हैं किससे? दूसरे ग्रीन प्लांट से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इनकी जो रूट, जो स्पेशल रूट्स डेवलप होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होस्टर, या जिसमें क्या होता है, स्पेशल जो होस्ट टिश्यूज होते हैं ये उसके पास जाते हैं और क्या करते हैं, उसकी बॉडी से जो भी इनको फूड चाहिए होता है ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करते हैं। वो तो क्या कहलाते हैं, हमारे टोटल पैरासाइट। और जो पार्शियल पैरासाइट है वो क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से केवल वाटर और मिनरल्स लेते हैं। और धीरे धीरे ये पैरासिटिक प्लांट क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं उस प्लांट को जो होस्ट प्लांट होता है जिसके अंदर से इनकी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। दोबारा रिवाइज हो गया हमारा ये। और इसे कुछ एग्जांपल आप देख रहे हो, कस्केटा है, मशरूम और फंगल ग्रोथ जो दिखाई हुई है पिक्चर में ब्रेड के ऊपर, ये हमारी टाइप से किसकी? सेप्रोफिटिक प्लांट की। और सेप्रोफिटिक प्लांट भी क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिनकी कोई लीव्स नहीं होती है, ठीक है। और ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर से। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो तोड़ देते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको किसमें? सिंपल के अंदर। सिंपलर वंस होगा तो क्या होगा, इजिली एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो फंगस, और जैसे कि फंगस किसमें ले जाते हैं? मोस्टली ब्रेड माउल्ड्स के अंदर, है ना। और मशरूम, ये और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम किसकी उसके अंदर डालेंगे, एग्जांपल में सेप्रोफाइट्स के अंदर। और कुछ हमारे फंगस जैसे कि मशरूम और फिस्ट, ये हमारे लिए यूजफुल है और कुछ डिजीजेस भी फैला देते हैं। तो आज हमने टू टाइप्स पढ़ लिए हैं हमारे इसकी, क्या ये हिटरोट्रॉपिक प्लांट्स की, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की इसकी जो टू टाइप्स हैं हमारे, इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन से होते हैं और सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो आपका लेक्चर आज यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।